आप पिछले 6 वर्ष में देखेंगे 6 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही सरकारी नौकरी मिली, और प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण निजी क्षेत्र में भी केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए, डिजिटल इंडिया का, स्टार्टअप की योजना का, स्टैंडअप की, पीएम स्टैंडअप की योजना का या पीएम स्वनिधि योजना का, अनेक प्रकार से लाभ लेते हुए इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का काम भी हुआ। आज परिणाम हम सबके सामने है कि प्रदेश के अंदर लाखों नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की गारंटी मिली, स्वतः रोजगार के साथ करोड़ों लोगों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। ओडीओपी की योजना, पीएम विश्वकर्मा या उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना हो या फिर मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना, इसने करोड़ों लोगों को अपने साथ रोजगार के साथ जोड़ते हुए उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी किया है। सरकार की मंशा स्पष्ट है और स्पष्ट मंशा एक ही है कि किसी भी युवा के साथ कोई भेदभाव न हो, पारदर्शी तरीके से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन जिन्हें विकास अच्छा नहीं लगता वे हर एक मुद्दे का राजनीतिकरण करने का प्रयास करते हैं और वे लोग नहीं चाहते कि विकास की प्रक्रिया में बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश को इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ा सके, उनके बैरियर होंगे। दुर्भाग्य है कि जिस राज्य को देश के अंदर अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में 2017 के पहले तत्काल होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ मौजूद था, वो राज्य पिछड़ता गया। 2017 में ये देश की 6ठे स्थान पर था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। आप जैसे नौजवान प्रदेश में तो नौकरी नहीं पाते थे, लेकिन प्रदेश के बाहर कोई जाता था और अगर उसने बता दिया कि उत्तर प्रदेश के हैं तो फिर लोग पहले उसकी छटनी करके बाहर कर देते थे, पहचान का संकट अलग खड़ा कर दिया था। यानी प्रदेश के अंदर तो शोषण होता ही तो होता था, प्रदेश के बाहर जाने पर भी पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। आज जब पहचान के संकट से उभर करके आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का नागरिक देश के अंदर कहीं भी जाएगा, लोग सम्मान की दृष्टि से उसके साथ पेश आते हैं और सम्मानजनक व्यवहार भी करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि आपके साथ जुड़ी है।